इसमें हम सुबह सब्जी बनाए थे और ये है, ये इसका भी आज हम सब्जी बनाएंगे, अलग से बनाएंगे। ये भी कर दिए, मतलब कि कल फास्ट था मेरा, हमको सुबह बोली तुम कुछ नहीं करो हम सब करते हैं, ऐसे सब्जी भी मम्मी ही बनाई थी। ये भी बॉईल करके रख दी है, इसको सिर्फ बनाना है, मतलब प्याज वगैरह डाल के इसको फ्राई कर लेना है। और चावल चखा दिए हैं और ये भी बनाना है अभी, और उसको फ्राई करना है। और हम बताते हैं आप लोग, इधर आ गया दूध, और दूध आज से 2 लीटर ले रहे हैं क्योंकि दूध हो जा रहा है कम और बच्चे लोग का थोड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी समय बहुत ज़्यादा हो गया है और आज हम ब्लॉग का शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल आज ब्लॉग शुरुआत करने का बिल्कुल भी मन नहीं था और मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाए कुछ भी, क्योंकि हम कुछ भी नहीं किए थे। इस वजह से आज महाशिवरात्रि का पारण था, इस वजह से मतलब सुबह से शूट मोबाइल लेके हमको शूट करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा था। लेकिन सोचे नहीं थोड़ा सा तो इधर का शूट कर लें। तो अभी हम खाने में आए हैं, तो खाना में सब सारा चीज़ आज सुबह से मम्मी ही कर दी थी है मेरा, मतलब जैसे नाश्ता वगैरह जो भी बनाने का था। हम सुबह उठे और स्नान किए और जो भी अपना पारण वगैरह था वो सारा चीज़ कर दिए। तो उतना नहीं समझ में आया हमको कुछ भी कि ब्लॉग भी शुरुआत करना होगा। खैर कोई नहीं, अभी शुरुआत करते हैं ब्लॉग का। और सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ही है अभी, मतलब गुड आफ्टरनून नहीं हुआ है। तो सभी को गुड मॉर्निंग, बड़ों को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। आज बहुआ का स्कूल में एडमिशन हुआ और वहाँ से उसका बुक वगैरह आया हुआ है, तो उसके लेके भी बहुआ बहुत ज़्यादा खुश था। वो हम लास्ट में आप लोगों को दिखाएंगे थोड़ा सा। ऐसे भी आज ब्लॉगिंग कुछ लॉन्ग वगैरह नहीं हुआ है, शॉर्ट ही है और ज़्यादा स्टिची वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। हुआ है बट हम शूट नहीं कर पाए हैं, रीज़न बहुत सारा है। मोबाइल एक है, बच्चे ले लेते हैं या फिर बैटरी लो हो जाता है, और हमेशा तो हम मोबाइल लेके बैठने से रहें या फिर चार्ज देने से रहे, इस वजह से शूट नहीं हो पाता है। पर जितना हो पाता है हम आप लोगों के सामने रखते हैं और जो भी हम दिखाते हैं सारा रियल चीज़ दिखाते हैं, तो आप लोग समझ सकते होंगे। और डिफ़िकल्ट तो बहुत ज़्यादा है वीडियो शूट करना, उसको एडिट करना और यूट्यूब पर डालना, बट कोई नहीं, कोशिश करते हैं ये सब करने का। और आज सैटरडे है, शनिवार, इसीलिए ब्लैक ब्लैक पहने। ऐसे हम सैटरडे को ब्लैक ही पहनना पसंद करते हैं, ब्लैक इससे भी हम ब्लैक पहन लेते हैं, बट सैटरडे को ऐसा कहा जाता है ब्लैक पहनना चाहिए, शनि भगवान का डे होता है इस वजह से। तो अभी हम सब्जी बनाएंगे, आधा से ज़्यादा सारा सब्जी का ताम छाम जो होता है सब चीज़ मम्मा कर दी है, जैसे कि सब्जी हो गया काट के उसको बॉयल कर दी है और फ्राई करेंगे आलू और सेम, तो उस भी मतलब कट करके उसको बॉयल कर दिए, सिर्फ फ्राई करने का है। उसमें भी हमको मना कर रही थी कि जाओ तुम पढ़ाई करना, हम सारा चीज़ कर देंगे, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हम कर सकते हैं। और मम्मी गई थोड़ा देर, मतलब क्या था सुबह से वो घर ही रही थी। ऐसे मेरा घर में नहीं, सब घर में होता है, इतना सारा काम हो जाता है सुबह से, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। वो करने के बाद ना 1 घंटा जब तक हम लोग रेस्ट नहीं ले लेते हैं, इसके बाद फिर दोबारा कोई काम नहीं होता है। 1 घंटा आधा घंटा रेस्ट ले लेंगे, इसके बाद फिर कोई काम होता है। तो वही 1 घंटा वो स्नान वगैरह नाश्ता वगैरह करके और गई है रेस्ट करने के लिए, तब हम आ गए किचन में। हम जल्दी से काम निपटा लेंगे, फिर अपना स्टडी वगैरह जो भी होगा करेंगे। और यहाँ हुआ क्या ना कि हम लोग जाने वाले थे घूमने के लिए पहाड़, बट इनके पापा गए थे आज एडमिशन करवाने, तो बोल रहे हैं उतना कुछ हुआ नहीं है और बहुत ज़्यादा हवा भी बह रहा है उधर। इधर भी हवा था, हवा बहुत तेज़ था और हवा इतना ज़्यादा तेज़ हवा और धूपा भी कड़ा किया हुआ था, कम से कम शाम हो जाता तब जाने से ठीक रहता। तो वही बोल रहे थे कि अभी जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मेला वगैरह भी नहीं लगा हुआ है और हवा बहुत तेज़ चल रहा है। हम पूछे उनसे तो फिर वो बोले, नहीं तो बोले हम चल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सोचे नहीं जाने में फ़ायदा है, ऐसे वो मना कभी नहीं करते हैं, बट आज कर दिए तो हमको समझ में आया कि कुछ ना कुछ मतलब ये है, जाके फ़ायदा है नहीं। ऐसे भी बोल रहे थे जाना है चल जाओ, लेकिन हम बोले नहीं नहीं क्यों जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है जाके, तो जाके क्या करेंगे, मेला वगैरह भी नहीं लगा है। और शाम होते होते ना, मतलब दोपहर होते होते माथा में बहुत तेज़ दर्द करने भी लगा था, पूरा तेल वगैरह लगाए और शायद केस हो गया था, कल दिन भर फास्ट थे इस वजह से नहीं क्या।
खैर कोई नहीं, ऐसा होते रहता है सबके साथ, और जाने का इच्छा भी नहीं हुआ। बच्चे लोग अपने जाने के लिए ठीक है, बच्चे लोग को साथ लेके जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, किसी से नहीं जाते हैं तो आप लोग समझ सकते होंगे। और अभी हम सब्ज़ी बनाएं, सिर्फ फ्राई करेंगे दो चीज़, और चावल तो बैठा ही दिए, दाल और इधर दूध भी आया हुआ, तो सारे चीज़ हो जाएगा एक ही साथ, एक आधे घंटा में हो जाएगा, तो फिर हम अपना स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन शूट नहीं कर पाए हैं आप लोगों के साथ, तो ज़रूरी नहीं है शूट नहीं किए तो स्टडी भी नहीं किए होंगे। और आज शाम को जब हम शाम को ही हम मतलब देखें, शाम को यानी 5-6 बजे ले देखें, नोटिस आ गया है JPSC वालों का, अब एडमिट कार्ड आने वाला है। एकदम बिलीव नहीं हो रहा था हमको, देख के तो भरोसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। हम रजिस्ट्रेशन करके और फिर उसको पेमेंट नहीं करवाए, आप लोगों के सामने ही हम रजिस्ट्रेशन करने गए थे, रजिस्ट्रेशन किए भी थे बट पेमेंट नहीं करवाएं। क्या हुआ ना, लास्ट टाइम में हमको मतलब अच्छा नहीं लगा, बोले नहीं छोड़ दो। एक तो क्या होता है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस होता है, PT निकालो, फिर मेंस निकालो, फिर इंटरव्यू दो। खैर कोई नहीं, जो होने का रहता है वो हो जाता है, शायद नहीं था मेरा किस्मत में भरने का। लास्ट डेट में भी हम पेमेंट कटाने के लिए गए, लेकिन क्या हुआ ना कि खैर लास्ट डेट था, और तभी भी मन में कुछ कुछ ये हो रहा था, इस वजह से बोले छोड़ तो नहीं है। और अब तक मेरा एस्टेट हो जाता ना तब तो और भी ख़राब लगता, बस एस्टेट भी नहीं हुआ है और इधर JPSC का एग्ज़ाम भी है। जिसका वो लोग के लिए तो थोड़ा सा ये है, क्योंकि 17-18 तारीख को शायद दे देगा ये का बिहार का एग्ज़ाम, के बारे में हमको अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी हम मोबाइल बहुत कम ही देखते हैं इस वजह से। तो जो भी है खैर कोई नहीं, हो जाए धीरे धीरे तो अच्छा है। मेरा बताने का मतलब ये था कि आप लोगों के सामने हम भरे थे इस वजह से बताए, और ये मेरा स्टडी मटेरियल ब्लॉग है, यानी कि स्टडी हो या फिर हाउसवाइफ मटेरियल टाइप का है, तो इसमें हम सब चीज़ दिखाते हैं, इसीलिए बताने का मकसद था, नहीं तो ऐसा कोई खास बात नहीं था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो ये एक हो जाता है कभी, हम लोग के भी साथ कभी कभी होता है कि चाह के भी नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मेरे साथ हुआ, पेमेंट वगैरह सारा चीज़ देख कर आज करेंगे कल करेंगे ये वाला प्रोसेस रख के आखिर हम नहीं कर पाए, जिसका पछतावा आज भी है। लेकिन ऐसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हमको कर ही देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है ना, झारखंड में वैकेंसी का ज़्यादा पेमेंट नहीं करता है, ओनली 100 रुपीज़ ही करता है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखा जाए तो 100 रुपीज़ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है कि हम लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हुआ सो हुआ, बार बार एक ही चीज़ को बोल के मन को खेद नहीं पहुंचाना है, तो शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था। अफसोस तो बहुत है बट कुछ नहीं, और इतना जल्दी हमसे तैयारी होने से रहता, और जब तक एडमिट का डेट अलाउंस नहीं हो जाता है झारखंड में, तब तक तो बिलीव करने के बराबर कुछ भी नहीं है। एडमिट अलाउंस हो गया यानी कि एग्ज़ाम होगा ही होगा, नहीं भी हो सकता है, आयोग के द्वारा और एक नोटिस दे दिया जाएगा, परीक्षा इतना तारीख के लिए स्थगित किया जाता है, तो फिर वही स्थिति हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा। मेरे ख्याल से इस बार तो JPSC होगा और बहुत अच्छी तरह से होगा, देखते हैं क्या होता है। और अभी एस्टेट का कोई पता नहीं है कब होगा, एस्टेट का भी तो चल ही रहा है प्रिपरेशन, उसमें कभी कभी क्या होता है ना, मन बिल्कुल भी उदास हो जाता है, मन नहीं करता पढ़ने का। और इस तरह का मैटर जब आता है ना सामने, 10 तरह का बात, यानी कि अभी JPSC भराया, अब JPSC के एग्ज़ाम पहले हो गया, एस्टेट नहीं होता है, तो मतलब ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का ना, मतलब अलग टाइप का दिमाग में ना प्रेशर हो जाता है। और एक बात क्या होता है कि अभी CTET भी आ गया और CTET भी भरना होगा, मतलब हमको समझ में नहीं आता है कि हम करें तो करें क्या। अब CTET भी भरना है, CTET का भी तैयारी करना है, और अभी एस्टेट भी,
तो होगा ही होगा, मतलब कुछ भी हो तो सीटेट तो निकालना पड़ेगा ही। सीटेट नहीं तो बीएड का कोई माने ही नहीं है। और एस्टेट करना यानी कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है मेरे ऊपर, एस्टेट क्वालिफाई करना, तो जितना तक हो सकता है करेंगे। अब मेरा मन तो बहुत कुछ करने के लिए कहता है, बट मन के भरोसा करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आई होप आप लोग समझ सकते होंगे, जिनके पास दो बच्चे हैं, अकेले फैमिली हो और पूरा प्रेशर हो एग्ज़ाम का, उसको और कोई चीज़ का ख्याल कभी नहीं आता है। आप चाहेंगे ना हम किसी को बुला के कुछ काम वगैरह या फिर कुछ करवा ले, जितना आप आदमी को बुलाइएगा उतने ज़्यादा काम बढ़ता है, शायद मेरे हिसाब से काम बढ़ता है। तो जैसे कि हम सोचते हैं कि अब काम वाली नहीं आ रही है तो उसको छोड़ ही दें, अब नहीं ही रखें, क्योंकि अब मेरा हैबिट टाइप का हो गया, आदत हो गया है, और वो आदत को हम जाने नहीं देना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं, अभी तो आई नहीं है, आएगी तो फिर देखा जाएगा। इधर बच्चे लोग को स्नान करवाना, तैयार करवाना, घर के काम, घर की जिम्मेवारी, ऊपर से अब यूट्यूब पे भी कुछ कुछ करने लगे हैं, तो टाइम तो मैनेज नहीं हो पाता है। और स्टडी, ये तो सबसे बड़ा सवाल है मेरे भीतर, रोज इस बात को शायद वो खेड़ता है कि आज हम क्या पढ़े, आज हम क्या चीज़ का तैयारी किए, और अब मेरे भीतर जो था उससे हम क्या ज़्यादा किए, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा हमको मतलब उखेड़ता है यानी कि खदेड़ता है भीतर से, कि आज हम कुछ किए या फिर यूं ही आज का दिन बर्बाद कर दिए। तो ये बड़ी बात है। तो खैर कोई नहीं, ये सब तो होते रहता है, सबके साथ होता होगा शायद, जो भी स्टडी वगैरह करते हैं वो सभी के साथ होता है। अभी आ गया है सोना बाबू और उसका ड्रेस चेंज करना है, और बहुत ज़्यादा ही लोग को भूख लग गया था, और अभी तक मेरा खाना भी नहीं बना है, और आज सुबह लेट हो गया इसको आने में। तो अभी हम ड्रेस इसका चेंज करके और छठ से हम इसका खाना बना देंगे, तो फिर ये खाना खा लेगा, तो हम खाना भी बना रहे हैं। और फिर यहाँ पे हम ना मतलब सूजी और साबूदाने के आटा दोनों को घी में फ्राई करके एक डब्बे में भर के रख देते हैं, जो कि हम आप लोगों के साथ कभी भी शेयर नहीं किए हैं। बच्चे को खिलाने के लिए ये परफेक्ट होता है, यानी कि अच्छा होता है। तो यदि हम साबूदाने के सिर्फ आटा ही खिलाएं ना, तो उसमें क्या होता है ना कि जल्दी ज़्यादा सोख लेता है पानी को, और उसमें हल्का सूजी भी मिला देते हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज का हो जाता है, तो इससे बड़ा और छोटा दोनों तरफ का चीज़ खाने में ठीक रहता है, तो दोनों मिक्स कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि साबूदाने को आटा को ही सिर्फ हम फ्राई करके और रख देते हैं अलग अलग डब्बा में, पर इस बार हम क्या किए हैं, दोनों मिक्स कर दिए हैं। साबूदाने हम घर में साबूदाने का आटा बनाते हैं, कभी बनाएंगे तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और सूजी, और उसमें आप आटा मिला सकते हैं तो और भी बेस्ट रहेगा, पर आटे वाले बच्चा खाएंगे तब तो। हमारे यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब साबूदाने का आटा नहीं रहता है तब हम आटे मिक्स कर देते हैं, बट अभी तो साबूदाने का आटा और सूजी। और दलिया वगैरह नहीं खाता है लोग, दलिया बहुत बार बनाए हैं, बहुत बार दिए हैं, कोशिश किए, नहीं खाता है, दाल पी लेगा। और बहुत ऐसा चीज़ है बच्चों के बारे में जो कि हम शेयर कभी नहीं करते हैं, और कभी एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ बच्चे लोग का रूटीन हम शेयर करेंगे, सारे चीज़ मतलब क्या खाता है, मतलब क्या क्या कब खाना चाहिए। और यदि आप लोगों के भी मन में कोई सवाल होगा तो पूछिएगा, हम ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बहुत सारे अब तो कमेंट बहुत आने लगे हैं, देन हम नाम किसका किसका लें, कुछ भी हो मतलब अच्छा है, कमेंट कीजिए। और आप लोगों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू कमेंट करने के लिए, और हर कमेंट का रिप्लाई तो कर सकते हैं बट वीडियो में इस तरह से हम बोल नहीं सकते हैं कमेंट के लिए, थैंक यू ऐसे भी हम बोल दे रहे हैं। और अभी हम बाबू को खिला देंगे और फिर हम आप लोगों के साथ कोशिश करेंगे कंटिन्यू होने का, बट हम शूट नहीं कर पाए हैं तो नहीं किए हैं। आप लोग बताइएगा कि ऐसे आप लोगों के भी साथ होता है कि आप लोग चाह के भी कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं, मेरे साथ तो बराबर होता है। खैर रहने देते हैं,
ये वाला ना मतलब सबसे पहले ही ब्लॉग शूट किए थे बट ऐड नहीं किए थे इसमें, ये लेट हो गया मतलब लास्ट में चला आया, ये सुबह ही आया हुआ था, इनके पापा जाके ले आए थे, एडमिशन करवाए और बुक भी ले आए। तो अगले बार जितना बुक था बउआ का उससे डबल बुक है, बहुत ज़्यादा और थोड़ा अलग अलग टाइप का बुक है। तो देख ली हम सारा बुक को और आज हम इसका जिल्द यानी कि मोलाट जिसको बोला जाता है पेपर, तो उसको हम मंगवा के बांध देंगे, नहीं तो बच्चे जल्दी ख़राब कर देते हैं। और ये सब है कंप्यूटर वगैरह सब चीज़ का वन क्लास से ही नॉलेज इसको मतलब मिलने लगेगा, देखते हैं कितना तक कर पाता है। भी अभी न्यू न्यू बुक है तो एक्साइटमेंट ज़्यादा है थोड़ा, और जैसे ही पुराना हो जाएगा तो फिर ख़त्म हो जाएगा। देख सकते यही सब बुक मिला हुआ है, इसके बाद हम शूट वगैरह नहीं किए कुछ भी नहीं। और अभी है शाम का टाइम और अभी शिव, कल जो हम दिखाए थे उसमें शिव ही सिर्फ थे और आज जो हम दिखा रहे हैं उसमें शिव और पार्वती दोनों हैं। और आज गुलाल मतलब गुलाल उड़ा रहे हैं और होली टाइप का खेल रहे हैं इसमें, यानी कि शिव और पार्वती का मिलन हो गया और वही पूरा मोहल्ला को दिखाया जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग और खिचड़ी का भोज यानी कि भोज बहु भोज जिसे हम लोग करते हैं, तो पूरे मोहल्ले में मतलब खिचड़ी का भोज वितरण किया जाता है। और जैसे कि मतलब कल पूरा मोहल्ला में घुमाया गया था शिव को, सिर्फ ओनली भोले बाबा को, और आज शिव और पार्वती दोनों को घुमा रहे हैं और खिचड़ी का भोज सबके घर में वितरण किया जाता है, मतलब सबको वितरण किया जाता है। पीछे खिचड़ी का वितरण हो रहा है, खिचड़ी भोज, और आगे शिव पार्वती घूम रहे हैं और वही सब दिखा रहा है। तो फिर हम थोड़ा सा क्लिप ले लिए हम, और डीजे से आगे गुलाल उड़ा के डांस भी हो रहा है। तो कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। के लिए ही है, और कुछ भी गलत हुआ होगा तो ये ज़रूर बताइएगा ताकि हमें मोटिवेट मिले आपके कुछ भी कमेंट करने के बाद, और कमेंट करने वालों को तो थैंक यू, और वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू, बहुत 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 थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।